बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में इंस्पेक्टर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ने अपने नेटवर्क को एक्टिव कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस केस में दया नायक की एक्सपर्टीज का पूरा फायदा मुंबई पुलिस को मिल रहा है। दया को इंटरस्टेट गैंग्स का नेटवर्क तोड़ने और इन गैंग्स के तह तक जाने का काफी एक्सपीरियंस है। 2000 के दशक में जब अंडरवर्ल्ड बाहर से शूटर्स मुंबई भेजा करता था तो दया नायक ही ऐसे शूटर्स को गिरफ्तार या एनकाउंटर में मार गिराया करते थे। कहा जा रहा है कि इस मामले में भी आरोपियों को गिरफ्तार करने में दया नायक का नेटवर्क काफी अहम साबित हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दया नायक के नेटवर्क से पुलिस को कितना फायदा हो रहा है और किस तरह से इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौज। दशहरे की देर रात मुंबई के बांद्रा इलाके में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मामले में करीब 15 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, उसके बाद इस मामले के तार कई राज्यों से जुड़े होने की जानकारी भी सामने आ रही है और इसी के चलते पुलिस इंस्पेक्टर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की भूमिका इस मामले में अब काफी अहम हो चुकी है। आपको बता दें कि दया नायक को गैंग्स के इंटरस्टेट नेक्सस को तोड़ने में महारत हासिल है। इस मामले में दया नायक अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। इस मामले के अनसुलझे पहलुओं को सुलझाने में पुलिस को इससे मदद भी मिल रही है। दया ने अपने लोकल और दूसरे राज्यों में फैले खबरियों को एक्टिव कर दिया है। दया इस मामले में 2000 के दशक का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। 90 और 2000 के दशक में जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड अपनी चरम पर था तो उस वक्त खबरियों का नेटवर्क ही अंडरवर्ल्ड के लोगों की जानकारी पुलिस को देने में काफी अहम साबित होता था और इसी ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से दया नायक, प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया किया था। और अब जब गैंग्स का सिलसिला मुंबई में एक बार फिर से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है तो ऐसे में पुलिस भी अपना पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि भले ही लॉरेंस बिश्नोई ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए शूटर्स को फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए अपनी गैंग में शामिल किया था, लेकिन हथियार सप्लाई करना और बाकी लॉजिस्टिक मुहैया करवाने के लिए लोकल गैंग्स और हथियार सप्लायर्स की मदद का इस्तेमाल आज भी होता है और इसलिए बाबा सिद्दीकी के इस मामले में ह्यूमन इंटेलिजेंस एक अहम रोल निभा सकता है। वहीं इस मामले में अब पुलिस को इस बात का पता चला है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले आरोपियों ने YouTube के जरिए हथियार चलाना सीखा था। पुलिस ने बताया है कि कुर्ला के जिस घर में ये लोग रहते थे, इसमें ये लोग गन चलाने की प्रैक्टिस किया करते थे। मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने अपराधियों से पूछताछ के दौरान पाया है कि फरार संदिग्ध शूटर शिव कुमार गौतम ने उत्तर प्रदेश में शादियों में शामिल और जश्न मनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फायरिंग गन का इस्तेमाल किया था और इससे उन्होंने बंदूक चलाना सीखा था। गिरफ्तार आरोपी गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप से पूछताछ के दौरान यह भी पता चला है कि गौतम को मुख्य शूटर के रूप में रखा गया था क्योंकि उसे बंदूक चलाना आता था। पुलिस ने यह भी बताया कि इन लोगों ने लगभग 4 हफ्ते तक YouTube देखकर हथियार लोड करना और उसे उतारना सीखा क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग के लिए खुली जगह नहीं मिल रही थी। तो इस पूरे मामले में दया नायक का नेटवर्क और ह्यूमन इंटेलिजेंस पूरी तरह से अहम साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इंटर स्टेट गैंग जो है उन्हें तोड़ना अब पुलिस के सामने और दया नायक जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के सामने एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है।